नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। बांदा में लोकसभा निर्वाचन 2019 की तैयारियां प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी बांदा हीरालाल की अध्यक्षता में एडीएम संतोष सिंह ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत आम जनता को डलवा कर ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता की जाँच परख भी करवाई, जिसमें लोगों ने ईवीएम मशीन व वीवीपैट में जिस निशान के सामने की बटन दबाई उसी में वोट पड़ा। यह देखकर लोगों के अंदर मशीन पर उठ रहे सवालों पर विराम भी लग गया। हमेशा सभी चुनाव में विवादित रही ईवीएम मशीन ने जहां 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाकर विपक्षों के आरोपों को कुछ समय के लिए शांत तो कर दिया है, लेकिन अभी भी सभी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग उठाई जाती रही है। लेकिन चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों पर पूरा भरोसा होने के चलते इस बार भी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में उपयोग होने वाली ईवीएम मशीनों और वीवीपैटों को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों सहित आम लोगों को बुलाकर मशीनों की विश्वसनीयता की जांच करवाई और कैसे मशीन से वोट डालें और कैसे देखें कि आपका वोट सही जगह पड़ा है, जिसे आप देना चाहते हैं उसे ही मिला है कि नहीं, इसका विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों ने मशीनों से वोट डालकर देखा, जिसमें पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे मशीनों पर सवालों को आम जनता ने स्वयं वोट डालकर मशीनों की खराब होने की स्थिति को सिरे से खारिज कर दिया। आज किस प्रकार के कार्यक्रम ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को जो है जागरूकता अभियान चल रहा है वीवीपैट का, कि जो हम अपने बैलेट यूनिट में हम वोट डालते हैं और हमारा वोट जो है किस पे पड़ता वीवीपैट में, वो जो है जस्ट जो है 5 सेकंड बाद वो पर्ची कट के जो है जस्ट उस पर लाइट चलता है, वो अपना वोट जो है वोटर देख सकता है हमने किस पे वोट डाला, उसको देखने के बाद जो फिर जा सकता है। मतलब इसका ये कार्यक्रम चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है वीवीपैट से संबंधित। पहले तो होता था वोटिंग होने के बाद जो कंट्रोल रूम पे सारे वोट रहते थे तो क्लियर ये होता था, कैंडिडेट वाइज वोट आते थे। अब ये क्या है कि इसमें जितने वोट इसमें हमारे जो है वीवीपैट में जितने वोट रहेंगे उतने ही हमारे जो है इसमें कंट्रोल यूनिट में रहेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार जैन। आज किस तरह का ये वोटिंग वाला परीक्षण हो रहा है मशीन? ये मतदाताओं को जागरूकता वाला है। अभी तक लगभग कितने लोग आए हैं? अभी तक यहाँ लगभग 50 लोग आ चुके हैं और ये 3 दिन से चल रहा है। परसों डीएवी कॉलेज में था राजीव गांधी में, कल डाइट में था और आज यहाँ पे इसके बाद 3 बजे से जीआईसी में जिलाधिकारी कार्यालय में ये ईवीएम का जो प्रशिक्षण हुआ है वीवीपैट का, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग का प्रयास ये है कि ईवीएम जो है वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे अधिक से अधिक लोग बीच में इसके बारे में जो भी धारणियाँ उसको समाप्त किया जाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि हर जगह इसका प्रदर्शन किया जाए जागरूकता फैलाने के लिए, जिसमें कि लोग जो केवल चुनाव के दिन ही जा करके मतदान करते थे और देखते थे और पूरी तरह से देख नहीं पाते थे, वो अब जगह जगह पर हम लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि लोग आ करके स्वयं देखें और मतदान से पहले भी 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें आईबी इंडिया न्यूज़ पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।